एंड द मोमेंट यू एंटर दैट शॉप, इट्स जस्ट लाइक कि ना वहां के लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी होती है कि when I entered, there was this employee of Foot Locker and he came to me and he was like, "Hey, how are you? I like what you're wearing. Are you here to buy some new cakes? That's great." मतलब इतनी चीजें वाह वो पूछ रहा है, मतलब जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू मैकडोनल्ड्स, यहाँ वाले नहीं लंदन वाले या अमेरिका वाले, यू आर गोइंग और वहां पे उसकी वेटरेस आती है एंड शी बी लाइक, "हाय हनी, हाउ डू यू डूइंग, व्हाट कैन आई गेट यू, नो समथिंग लाइक दैट." वहीं यू पे वर लाइक, ये ऐसा तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं बोला मेरे को, ये क्यों मेरे को बोल रही है ऐसा. तो ये और वो हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी होती है. What is up, beautiful people? Assalamu alaikum, and I hope you guys are doing well. Thank you for stopping by. And if you love sneakers, then you are at the right place. This is your boy Zaneer Ali Sani from Sneakers and Zaneer with another video on this channel. If you're new here, then make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon to know the latest updates of my videos. You can find me on Instagram at Zaneer Sani to know the latest updates of my giveaways and my recent videos. And also, there are some changes in the policies of YouTube. So, according to those policies, if I'm getting maximum thumbs up, so the reach of this video will be greater. So please hit that thumbs up button because it really helps the channel. And with that said, let's just dive right into the video. तो ये वीडियो बहुत खास है और इसीलिए खास है क्योंकि ये बहुत महीनों पहले से ये जो वीडियो है ये प्लानिंग में थी. हाउएवर लॉकडाउन स्टार्टेड एंड एवरीवन वाज इन क्वारंटीन, सो दैट्स व्हाई मुझे जो है ये प्लान कुछ महीनों के लिए ड्रॉप करना पड़ा. लेकिन नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर, सो आई थॉट दैट we can follow all the SOPs and we can still shoot this video. So that is why I asked my friend Namira to join me in this video so that we can chat about some sneaker culture. And she wants to ask some questions about sneaker. So I thought that let's just do a video on that. और इसीलिए अब इसके बाद का जो आप शॉर्ट देखेंगे वो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का शॉर्ट है जिसमें मैं और नमीरा कुछ स्नीकर के बारे में बातचीत करेंगे. Hey, तो नमीरा से हाय. हाय एवरीवन. ओके, तो पहले हाय सनीत, कैसे हो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो पहले जो है हम जो है नमीरा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. आई मेट नमीरा ड्यूरिंग कॉलेज. हाँ बिल्कुल. और हम जो है कॉलेज के और बहुत इत्तेफाक से दोस्ती हुई थी. बहुत बहुत तफरियां की थी हमने. सबसे पहली बार जो हाँ, हालांकि जनीर था मेरे साथ ही क्लास में, हम लोग साथ ही थे, लेकिन सबसे पहले जो जनीर का इंट्रो हुआ था वो हुआ था फाउंडर्स डे में जब उसने फ्लूट बजाई थी. क्या फ्लूट थी वो, अमेजिंग. कि दीवाने हो गए थे हम लोग बाद में, बचा कि अच्छा ही इतना टैलेंटेड बंदा है जो है. फिर हमारी बात शुरू हुई. नाउ नमीरा इज डूइंग फैशन डिजाइनिंग, दैट्स वेरी ग्रेट. फैशन डिजाइनिंग, थैंक यू. और फिर नमीरा, व्हाई व्हाई डिड यू चूज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग पे अचानक से ये पता है इसके पीछे की कहानी क्या है? बहुत आसान, मतलब वो कहानी बस ये है कि मेरी कजन की शादी खत्म हुई, उसके बाद मैं इंतहा की फारिग थी. मैंने सोचा यार इतना बिजी गुजर रही हूँ, अब इंतहा की फारिग हूँ, कैसे मतलब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ. मतलब एवं मैं स्टार्ट किया, क्या करना होता, कुछ भी नहीं होता होगा, पिक्चर्स नहीं डाल दी, यही होता होगा. वो तो जब स्टार्ट किया तो पता चला कि नहीं भाई, बहुत मेहनत चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, और उस पिक्चर को डालने के लिए जो तैयार होना पड़ता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, जो मेकअप करना होता है, तैयार होना होता है, तब पता चला कि भाई ब्लॉगिंग आसान काम नहीं है. मैं बता दूं, नमीरा इज डूइंग ब्लॉगिंग एंड यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम. हर इंस्टाग्राम आईडी इज इट्स namira.k. तो जो है उसके इंस्टाग्राम आईडी पे नीचे आ रही है, गो फॉलो हर. हां, स्टाइलिंग वीडियोस भी स्टार्ट कर रही है. हां, तो नमीरा, दैट्स ग्रेट, लव्ड इट. अच्छा नमीरा, तो मेरा तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास हुए से क्वेश्चंस हैं
वो क्वेश्चंस कुछ यूं हैं कि हाउ डज इट फील टू बी ऑन योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. दिस इज योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो राइट. हाँ और okay. मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे ना वो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं आती वो वाली कि भाई यूट्यूब पर आऊंगी यूट्यूब चैनल पर आऊंगी मैं. और अच्छा मुझे सच्ची सच्ची बताओ मुझे मतलब एक बहुत ज्यादा ना तुम पर भरोसा है कि यार ये बंदा स्नीकर में आपके यूट्यूबर में बहुत आगे निकलेगा मतलब स्नीकर कल्चर प्रमोट करने के लिए ना. बड़ी मोहब्बत. तो मुझे वो भी खुशी थी कि यार आज से एक दो साल नहीं तो चलो 4-5 साल बाद जब तुम बहुत फेमस हो जाओगे तो लोग तुम्हारी पुरानी वीडियो देंगे उसमें देखेंगे और अच्छा ये कौन है बेस्ट फ्रेंड है इसी तरीके से ना मेरी भी. Nice, तो दूर nice. का सोच रही थी ना मैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी. Since we are gonna talk about sneakers and people know that you have zero knowledge about sneakers. ठीक है. Negative. Zero से भी कम. ठीक है. Okay. So Namira, when did you realize के sneaker culture is a thing? मतलब sneakers are really big thing. Also, FYI, do you know that sneakers are a worth of 2 billion of stock market? Say what? So, when did you realize that sneakers... 2 billion. 2 billion, yes. Speechless. तुम्हारी videos देख के सच में तुम्हारा जो अचानक से sneakers का craze चढ़ा उसको देख के कि मुझे पहले यही लगता था कि यार स्नीकर्स क्या है आम से जूते तो है कहीं से भी मिल जाते हैं स्नीकर्स ले लो. वो तो जब तुम्हारा पता चला कि अच्छा ये होते हैं तो सच में मुझे पता चला कि अच्छा एक प्रॉपर पूरा स्नीकर कल्चर है जो चलता चला आ रहा है. नमीरा हाउ मेनी स्नीकर्स डू यू हैव इन योर कलेक्शन? मेरे पास वैसे बहुत ब्रांडेड स्नीकर्स नहीं है क्योंकि मैं सच्ची में वो बंदी हूँ तो मैं पता है मैं वो बंदी हूँ अगर 5,000 रुपए तो 5,000 के जो है वो 5 स्नीकर्स ले आओ 2-3 साल घिसो फिर दोबारा नए ले आओ. महंगे वाले मैं जूतों पे खर्च करने अभी तक तो फिलहाल मैंने नहीं किया. हाँ जब कमाने लगूंगी तो फिर सोचूंगी कि करने नहीं करने. लेकिन वैसे अगर बात करें तो मैं ऐसे लेती हूँ कि मतलब बस हर कलर के हों जो मेरे पास मेरे कपड़ों पे चल जाएं. जैसे एक वाइट ले लिया एक ब्लैक ले लिया ऐसे जनरल है कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा फैंसी या कुछ वैसे नहीं. Have you ever watched my story, my IGTV video or any of my YouTube video and you fell in love with any of the sneaker? जो मैंने अपनी videos में बात की. ओह अभी मेरा recent sneaker crush भाई वो pink वाला जो अभी तुमने story पे डाला था जो pink वाला मुझे बहुत पसंद आया है. Nike SB Dunk. मुझे वो चाहिए. Okay. इन्होंने नहीं बताया ना मेरा जिसको pink वाला sneaker कह रही है that is Nike SB Dunk Strange Love. और वो जो मैंने अभी मुझे वो चाहिए. मुझे एक और तुम्हारा जूता बहुत पसंद है जो कि वो होता तुम्हारा स्नीकर ऑफ द ईयर था. स्नीकर ऑफ द ईयर जिसमें ब्लू भी आ रहा था रेड भी आ रहा था सकाई एलडी भी बहुत पसंद. ये दो जूते तुमने चाहिए थे. बात आई नो यू हैव मेनी क्वेश्चंस सो यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड आई बहुत सारे. अब मेरी बारी. वैसे तो ये जनीर का चैनल है और जनीर होस्ट होते हुए भी मेरे सामने मेहमान होगा और मैं मेहमान होते हुए भी होस्ट हूँगी जी. तो जनीर शुरू करते हैं ये सवालात का सिलसिला. अच्छा मेरे पास बहुत सारे सवाल थे तो मैंने ना सारे लिस्ट डाउन कर लिए थे ताकि मैं भूलूं नहीं बाद में. सबसे पहला सवाल हाउ डिड यू गेट इनटू बाइंग स्नीकर्स. मतलब मुझे जहाँ तक याद है कॉलेज में तुम्हारा कोई क्रेज नहीं था स्नीकर्स का मतलब कोई ऐसा था नहीं फिर अचानक से स्नीकर्स का दिमाग में आया कैसे कि यार शुरू करना है खरीदना है. अच्छा पहली चीज ये कि इसका जवाब मैंने थोड़ा सा अपने Q&A में भी दिया है. स्नीकर्स एंड आई हैव अ वेरी इमोशनल अटैचमेंट ठीक है. और जहां तक कॉलेज की बात है उस वक्त था दिमाग में लेकिन उस वक्त इतना पागल नहीं था मैं. और दूसरी चीज ये कि जहां तक इमोशनल अटैचमेंट की बात है सो इमोशनल अटैचमेंट इस तरीके से थी कि एक एक होता है ना स्कूल में कि माय फ्रेंड इज वेयरिंग अ ब्लू स्नीकर तो मुझे भी वो ब्लू स्नीकर चाहिए ऐसा ये जो ये था ना ये एक मेंटालिटी में होती थी. उसके पास वो है तो मेरे पास भी हो. एग्जैक्टली. तो जूतों का शौक था उस वक्त पैसे नहीं थे. और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा कमाने शुरू हुआ और ये सारी चीजें हुई थोड़े से पैसे जो है मैं सेव करता गया. फिर उसके बाद जो है फिर मैंने बोला कि ओके नाउ आई कैन गेट स्नीकर्स तो अब जो है आई कैन
बिल्ड माय कलेक्शन। और ये चीज मेरे दिमाग में पहले से थी, जब मैं बड़ा होऊंगा मेरा एक पूरा वार्डरोब होगा स्नीकर का, और एक जो है ड्रॉ होगा घड़ियों का। अभी तक मुझे अभी स्टार्ट घड़ियां अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होगा अभी तक हुआ नहीं है। बस वीडियो से हमें एक और नई चीज, धमाकेदार चीज पता चली कि जनीर बहुत जल्द जो है वो घड़ियों की भी कलेक्शन शुरू करने वाला है। जल्द एक नया चैनल भी आएगा, घड़ियां एंड जनीर। सारे स्नीकर के नाम के पीछे कोई एक स्टोरी होती है, कोई कॉन्सेप्ट होता है या बस ऐसे ही? नहीं, नाम के पीछे होता है, बिल्कुल होता है। जैसे देयर इज दिस, आई हैव दिस वन स्नीकर व्हिच इज वेरी ग्रेट, उसके पीछे भी बड़ी जरूरत। हां दिखाओ। ओके, कैन यू सी दिस स्नीकर? हां, इस स्नीकर नाम है Nike Air Jordan 1 Shattered Backboard। ठीक है, अब इसका नाम Shattered Backboard क्यों रखा गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। शैटर्ड बैकबोर्ड इसलिए रखा गया कि इन 1990 समथिंग देयर वाज दिस एग्जीबिशन गेम इन इटली, और माइकल जॉर्डन जो थे वो वहां पर गेम खेलने के लिए गए थे, और जब ही डंक टू स्कोर अ बास्केट, और उस वक्त सीन ये हुआ कि इतना प्रेशर से माइकल जॉर्डन ने डंक किया था कि वो जब उन्होंने स्कोर किया बास्केट तो सब वो शीशा टूट गया, वो जो शीशा टूटा तो वो ओपोनेंट टीम के ऊपर गिरा, क्योंकि ओपोनेंट टीम उसके पीछे थे, तो माइकल जॉर्डन वाज सेफ, लेकिन वो ओपोनेंट टीम के ऊपर गिरा। और उस वक्त जब ये पूरा सिनेरियो हुआ तो सब माइकल जॉर्डन ने ऑरेंज और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी। तो तभी ऑरेंज और ब्लैक है। एग्जैक्टली, तो एवरी स्नीकर हैज इट्स ओन कहानी। जैसे Can you see these insoles? कि कांच टूटा हुआ नजर आ रहा होगा तुम्हें। हाँ, white से हुआ है। Representation of shattered backboard के मतलब पूरा जो backboard था वो टूट चुका था। तभी इसका नाम shattered backboard है। So every sneaker has its own कहानी। Goat, G O A T. Okay. अगर बकरी नहीं, बकरी नहीं, माइकल जॉर्डन को कभी भी बकरी नहीं कहा गया, उसको गोट इसीलिए कहा गया क्योंकि हम अगर एक नॉन स्नीकर हेड के सामने गोट का वर्ड इस्तेमाल हो तो वो तो ये बोलेगा कि यार बकरी क्यों कहा जा रहा है, लेकिन गोट का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। Say what? So that is the reason के जो है there are few slangs, इनको slangs कहते हैं जो स्नीकर हेड यूज करते हैं। अच्छा, तो अच्छा और भी फिर मेरे पास है जो मैंने लिखे थे। एक है डीएस। डीएस, ओके। डीएस मींस डेड स्टॉक। डेड स्टॉक, डेड स्टॉक क्या? ओके, डेड स्टॉक का ये मतलब है कि इफ अ स्नीकर हैज नेवर बीन बोर्न, ठीक है, पड़ा हुआ है, और हम आम जुबान में, पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं ना डब्बा पैक जो होता है। हाँ। तो दैट्स डीएस, कि अगर उस स्नीकर के ऊपर अभी भी लेसेस अटैच हैं, जैसे लाइक दिस शैटर्ड बैकबोर्ड इट हैज दिस लेसेस स्टिल अटैच्ड, कोई भी पहनेगा तो वो उस लेसेस लटका के तो नहीं पहनेगा ना, उसे हटाएगा। तो अगर मैं इस डीएस से अनडीएस कर दूं, मतलब डेड स्टॉक से अनडेड स्टॉक कर दूं, तो स्नीकर की वैल्यू $200 गिर जाएगी, पता है? इतनी ज्यादा? अगर ये स्नीकर डेड स्टॉक है तो मतलब इसकी वैल्यू है, जैसे ही वो अनडेड स्टॉक हो गया, मैंने पहन लिया, उसकी वैल्यू गिर गई। हाँ। So that's the thing about sneaker. तो ये चीज़ है। अच्छा, चलो डीएस तुमने बता दिया, डेड स्टॉक। वीएनडीएस क्या? वीएनडीएस, वीएनडीएस मींस वीएनडीएस मींस डेड स्टॉक। तो वेरी नियर डेड स्टॉक का मतलब जो है ना ऑलमोस्ट डेड स्टॉक ही होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो ट्राई ऑन करते हैं, तो ट्राई ऑन करते हुए थोड़ा सा मिट्टी विट्टी लग जाती है, सो दैट्स वीएनडीएस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं मिट्टी को साफ कर दो फिर से डीएस बन जाएगा। वीएनडीएस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लिखते हैं कि वी 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 वीएनडीएस, वेरी 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 नियर डीएस, वेरी 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 वेरी, तो ये भी सीन होता है। लेकिन जैसे अगर मैं अगर इसमें इसे टैग हटा दूं, लाइक लेसेस का टैग हटा दूं, तो मैं इसे डीएस की जगह पे फिर मैं इसे वीएनडीएस काउंट करूंगा, ठीक है? तो दैट्स द थिंग। हां, और डेड स्टॉक इज लाइक के मतलब एक जूता कब से पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आई हैव दीस स्नीकर्स एंड दीस स्नीकर्स आर सिटिंग ऑन शेल्व्स फॉर 6 मंथ्स इन माय होम एंड दे आर वेरी डेड स्टॉक,
मतलब मैं पहन नहीं रहा हूँ, so that's how that लेकिन name. वो नए हैं. नए हैं, exactly. वो नए हैं, मैंने कभी पहना नहीं है, ये सीन है. अच्छा, एक और अभी तुमने एक वर्ड यूज किया रिटेल, और मैं तुम्हारी स्टोरीज में देखता हूँ कि रीसेल भी यूज करते हो तुम, रिटेल भी यूज करते हो, तो इसका थोड़ा सा अगर तुम डिफरेंस बताओ तो अच्छा होगा. इसका सीन कुछ ये होता है कि रिटेल मींस सेलिंग प्राइस, हमने पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज के एक नाइकी ने जूता रिलीज किया और नाइकी ने बोल दिया कि इस जूते की जो सेलिंग प्राइस है वो $100 है. अब जूता मार्केट में आया और चूंकि वो जूता बहुत लिमिटेड था तो लोगों ने उसे खरीद लिया, ठीक है, लोगों ने खरीद लिया. अब ऐसे भी लोग हो गए जिन्होंने खरीदना था लेकिन उन्होंने मिला ली, तो नाउ दैट स्नीकर शिफ्ट्स फ्रॉम रिटेल टू रीसेल. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो रिटेल जितना 100 का खरीदा है, एक वो सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन हो गया कि अगर आपको डिमांड ज्यादा है तो आप जो है ज्यादा उसके वो डबल उसके पैसे करके बेचते हो. दैट्स द थिंग, मतलब एनी एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग स्नीकर. ओके, एनी एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग स्नीकर, मैं यहाँ का नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ के जो मेरे बाइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरे हैं, ठीक है. द थिंग वॉज दैट आई वेंट टू लंडन इन 2013 और मैं जो जूता लेकर गया था वहाँ पे वो मेरा जूता फट गया क्योंकि मैं वहाँ पे चला था और कुछ जूते पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि जो लंडन की सड़कों के लिए नहीं बने हुए होते हैं, तो जब वो वहाँ गए मैं चला और वो जूता फट गया. I was like कि मुझे जो है ना नया जूता लेना है, ठीक है. So there was this amazing shop Foot Locker, और Foot Locker was in Westfield Shopping Mall, हम Westfield Shopping Mall में गए थे, and there was this Foot Locker shop, and the moment you enter that shop, it's just like कि ना वहाँ के लोगों की hospitality इतनी अच्छी होती है कि when I entered there was this employee of Foot Locker and he came to me and he was like, hey, how are you? I like what you're wearing. Are you here to buy some new cakes? That's great. मतलब इतनी से वो पूछ रहा है, मतलब just imagine you are going to McDonald's, यहाँ वाले नहीं लंदन वाले या अमेरिका वाले, you are going और वहाँ पे उसकी waitress आती है and she be like, hi honey, how do you doing? What can I get you? Something like that. ये ऐसा तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं बोला मेरे को, ये क्यों मेरे को बोल रही है ऐसा. ये और वो हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी होती है कि बाय द टाइम यू आर लीविंग तो आर्नोल्ड ने यार इस बंदे ने बड़े अच्छे से बात की है तो चलो एक टिप दे देते हैं उसको, तो वो टिप के लिए सारा काम करता है. और वहां पे भी यही सीन हुआ कि व्हेन आई एंटर्ड देयर तो अब अंदर पूरी जूतों की दुनिया, ठीक है, वो था ना कि हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीना है, तो यहाँ पे वो कदम कदम पर लाखों जूते हैं और मैं जो है ना शाहरुख खान जो सबसे अलग है, तो मैं वो सबसे अलग जूता. अच्छा, और मजे का सीन ये था कि देयर इज लाइक कि वहां पर जो लोग है ना आपके पास, जैसे आपने एक जूता, जैसे फॉर सपोज आई हैव दिस शू, मैंने जूता पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर माय शू, तो उस वक्त वहां पर चार लोग और आएंगे और आके तुमसे बात करेंगे, ओ यू आर बाइंग दिस शू, हैव यू हर्ड अबाउट दिस दिस शू एंड एवरीथिंग. मतलब आप वहां पे इंतजार कर रहे हो जूते का और वहां पे लोग इतने कम्युनिटी वाइज और इतने अच्छे हैं कि आके तुमसे बात करेंगे कि तुमने ये जूता क्यों पसंद किया, ये क्यों पसंद किया. तो लाइक कि वहां पे आप आराम से बैठ के लोगों से गपशप मारो 6 घंटा 5 घंटा. अच्छा, और एक मजे की बात यहाँ पे सीन ये होता है कि उधर इफ देयर वाज दिस वन स्नीकर जो मुझे पसंद आया था ना, आई वाज लाइक आई नीड दिस स्नीकर, सो अब द एम्प्लॉय ऑफ फुट लॉकर गोज टू द बैक साइड ऑफ द शॉप जहाँ पे पूरा का पूरा स्टोरेज है एंड देन इट टेक्स 30 मिनट्स टू फेच दैट स्नीकर एंड देन ब्रिंग बैक टू मी. इतना टाइम, एग्जैक्टली. अब बंदा ये है कि बंदे को एक जूता पसंद आया है और बंदा अब इंतजार कर रहा है एंड दैट एम्प्लॉय इज लाइक, ओके यू नीड दिस स्नीकर, ओके नाउ वेट 30 मिनट्स. वो जो 30 मिनट्स है ना वो और आपकी वो जो उसको पेशेंस को कर रहे होते हैं कि भाई यार पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है और ये आ नहीं रही है क्या भी या नहीं है. ये सारी चीजें एंड अनदर थिंग इज दैट वहां पे ना छोटे छोटे बच्चे आए हुए होते हैं. So there are few kids who will buy their first ever Jordan or first ever Yeezy. So जब भी वो बच्चे आते हैं ना तो जैसे ही उनके सामने डब्बा खुलता है you will hear mini screams in every 10 minutes कि एक डब्बा खुल
एंड आई फियर ये एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मिलेगा हमेशा. मैं जब भी गया हूँ मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है. एंड दे वर लाइक नहीं सर 10 नंबर नहीं है 11 नंबर चलेगा. क्या कर रहे हो लाइक तुम्हारी विश लिस्ट में है वो बट अभी तुम्हें खरीदने. हाउ अबाउट आई टेल यू माय टॉप 3. टॉप 5 तक अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं. टॉप 3 का अगर चलो टॉप टॉप 3 सबसे पहला स्नीकर जो मुझे चाहिए दैट इज नाइकी एयर इजी 2 रेड ऑक्टोबर. दूसरा जूता जो अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है जिसने भी आके तबाही मचा दी है दैट स्नीकर इज नाइकी एयर जॉर्डन 1 डियोर. तुमने सुना होगा मैंने अभी रिसेंटली स्टोरीज भी बनाई थी डियोर के बारे में. तो जो है डियोर That sneaker, I love that sneaker. मुझे वो sneaker चाहिए. और third sneaker जो है, I think that would be Jordan's 4 cause. अच्छा तुमने अपने सारे sneakers पहन लिए? नहीं. अभी तक ये मेरा बताया ना ये अभी तक these are DS. कोई DS है ये? तो ये अभी तक मैंने नहीं पहना है. ये हैं और भी बहुत सारे हैं. दे आर वेरी आई गेस अभी 4 या 5 ऐसे स्नीकर्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं बाकी सब पहने हैं मैंने. योर फेवरेट स्नीकर लाइक नंबर 1 वाला स्नीकर? नहीं वो अभी डीएस है. दिस इज शिकागोस और ये मेरा जो है सबसे फेवरेट इसीलिए बना क्योंकि मैंने जब लास्ट डांस देखा तो इसीलिए जो है ये जूता मेरा सबसे फेवरेट बना. और ये जूते की खास बात ये है कि माइकल जॉर्डन का ये पहला जूता था जो उन्होंने पहना है. दिस इज द फर्स्ट एयर जॉर्डन 1 व्हिच वाज एवर रिलीज्ड. और मैंने अभी तक पहना नहीं है तो अच्छा अब ये VNDS पे आएगा या फिलहाल ये DS ही रहेगा? ये VNDS हो चुका है क्योंकि ये ब्लैक लेसेस के साथ आया था. एक्चुअली मैं ये ब्लैक लेसेस इसके साथ आए थे और मैंने फिर इसके व्हाइट लेसेस कर दी क्योंकि व्हाइट लेसेस मुझे ज्यादा पसंद थी इसीलिए मैंने इसको व्हाइट लेसेस लगा. हां व्हाइट से अच्छा लगा. हां तो इसीलिए अब जब मैं इसको पहन के जाऊंगा तो फिर मुझे फिर बाद में फिर चेंज करना नहीं पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट जो है यही पहन के गया चले आऊंगा. जैसे स्नीकर्स तो होते ही लेदर के है ना मतलब कोई और मटेरियल क्या यूज होता होगा? जैसे आपको जो जूता पसंद आया था दैट स्ट्रेंज लव दैट स्नीकर हैज वेलवेट ऑन द अपर एंड दैट स्नीकर हैज स्वीड वेलवेट यस. There is no leather used on that silhouette. तो ये भी चीज़ है कि बंदा जो है ना चूज करने से पहले ये भी देखता है कि यार ये किस मटेरियल से बना हुआ है. तो if there is a velvet तो यार ये तो बड़ा मतलब एक यूनिक सी चीज़ है. तो अब मैं तुम्हें अपना 600 रुपए वाला नाइकी का जूता दिखाऊंगी. 600 रुपए वाला? 600 रुपए वाला जो के है ये. Okay, that's pink color का ये है pink और black. अगर मैं बताऊँ ये इसके लेसेस ब्लैक कलर के हैं और इसमें ये नाइकी का आप ग्रीन से बना हुआ देख रहे हैं. ये है मेरा जूता जो मैंने लिया लाइट हाउस से. और ऐसे ही मैंने और भी नाइकी के जूते लिए मैंने. ऐसा क्यों? तो लाइट हाउस के जूतों से ऐसी क्या चीज है तुम्हें? अच्छा पहली चीज ये कि लाइट हाउस की जो है ना क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ठीक है. और लाइट हाउस का सीन कुछ यूं है मैं अगर वो चीज मुझे भले सस्ती मिल रही हो मैं थोड़ा सा इंतजार करके 3-4 हज़ार रुपए और ऊपर डाल के मैं एक अच्छी चीज खरीद लूं. तो मैं मेरा हमेशा से ये मानना है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग विच यू आर गोइंग टू वेयर एवरी डे. और कंफर्ट और उसके मामले तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यू नो के आई एम गोइंग टू NAD और वहाँ पे चलना बहुत होता है. आप जिस दिन चप्पल पहनकर आए उस दिन आप गए. खरीदने के रिलेटेड कोई तुम टिप देना चाहो या कुछ ऐसे ही करना बोलना चाहो कुछ भी? भाई देखो सीधी सी बात है कि इफ यू आर गोइंग टू बाय अ स्नीकर तो 2,000-3,000 रुपए ऊपर देके कुछ अच्छी चीज खरीदो ठीक है. कोई भी जो है ना आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. मैंने बताया हमेशा मैं भी नहीं करता हूँ तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप भी नहीं करें. सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम एक नई चीज पाकिस्तान में तो मैं बोल रही हूँ कि तुम इंट्रोड्यूस करवाने की तरफ तुमने फर्स्ट स्टेप उठाए तो जो कि एक बहुत बड़ी चीज भी है और बहुत चैलेंजिंग भी है. एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती जो इवन हमारे सेलिब्रिटीज ने भी उस चीज को जो है वो मतलब कभी भी कुछ उसको मतलब लाने की कोशिश नहीं कर रही उस कल्चर को उस पर आने के लिए तुम एफर्ट्स कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है. और मैं दुआ करती हूँ कि
इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, और जैसे बाहर के मुल्कों में सेलिब्रिटीज स्नीकर कल्चर प्रमोट करते हैं तो तुम्हारा नाम आए कि ज़नीर इस्तानी वो पहला इंसान था जिसने स्नीकर कल्चर को प्रमोट किया, तो ये मेरी दुआ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। हमें दिस इज द रीजन कि जब भी यू आर गोइंग टू वॉच माय वीडियोस ना, तो आई विल ऑलवेज यूज द हैशटैग पाकिस्तान। I will use two hashtags definitely, and that is hashtag sneakers and hashtag Pakistan, कि ताकि यार पता चले यार कि कोई है पाकिस्तान में भी जो promote करना चाह रहा हूँ। Thank you so much Namira for joining, और बहुत ही अच्छा लगा। Thank you for having me. बहुत अच्छा लगा, हम जो है ऐसे session और भी करेंगे, और कुछ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा दिया है, और मुझे मेरी बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर हुई, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको गोट जो गोट बकरी समझते होंगे उनको पता नहीं होगा कि डीएस और वीएनडीएस क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका वो गोट बकरी वाला कॉन्सेप्ट जरा चेंज हुआ होगा, तो उसके लिए भी थैंक यू। इट्स प्लेजर टू हैव यू, और इंशाल्लाह जो है हम और भी जो है करेंगे ऐसे एपिसोड्स। एंड इफ यू वांट टू सी Namira मोर ऑन दिस चैनल देन डू कमेंट डाउन बिलो, सो एंड प्लीज डू फॉलो इट्स namira.ke इज माय ब्लॉग अकाउंट, इज अ ब्लॉगर ऑन गाइस, इट्स namira.ke, यहां पे यूजर नेम आ जाएगा, गो फॉलो हर, शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब, एंड फॉलो मी एज़ follow me, subscribe to my channel. Thank you, तो आप follow करें ही करें, हमारा future star है ये. Okay, thank you so much Namira, I am going to end this. I really hope you like this episode, and if you want to see more of these kind of episodes, then do comment and let us know on the comment section down below. And if you want to see more of Namira, then also let us know in the comment section down below. Thank you so much for joining. This is Zaneer Ali Sani from Sneakers and Zaneer, over and out. Allah Hafiz.